गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 10। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। इन दिस एक्सरसाइज वन सेंटेंस इज गिवन एंड इन दैट सेंटेंस टू ऑप्शंस आर गिवन, मीन्स टू वर्ड्स आर गिवन, बिटवीन दीज टू ऑप्शंस वी हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड ऑन द करेक्ट वन वी हैव टू पुट अ टिक। फर्स्ट इज प्लीज टेल मी इन एडवांस इफ यू आर नॉट गोइंग टू मीटिंग, मीन्स तुम मुझे पहले ही बता दो कि तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। हियर वी विल पुट अ टिक ऑन यू आर, दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, सो वी विल पुट अ टिक ऑन यू आर, दिस इज योर, योर मीन्स तुम्हारा एंड यू आर मीन्स तुम, सो वी विल पुट अ टिक ऑन यू आर। नेक्स्ट वन इज द पैकेज हैज अराइव, इट्स और इट इज ऑन द टेबल, इट्स एंड इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, सो विल पुट अ टिक ऑन इट्स, इट इज ऑन द टेबल, मीन जो पैक है वो कहाँ पे है, जे टेबल के ऊपर है, सो विल पुट अ टिक ऑन इट इज। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर और यूअर नेम, सो हम क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारा नेम क्या है, सो वी विल पुट अ टिक ऑन योर, तुम्हारा नेम क्या है। नंबर फोर, माय साइकिल इज ओवर देयर, इट्स और इट इज द ब्लू वन पार्क इन द कॉर्नर, कि मेरा साइकिल वहाँ पे और वो कैसा है, बता रहा है कि वो ब्लू कलर का है जो वहाँ पे कॉर्नर में पार्क है। इट्स इसका कलर के बारे में बता रहे हैं कि इसका कलर कौन सा है, इसका मीन्स इट्स। आई होप योर आई यू आर कमिंग टू पार्टी, टू माई पार्टी टू नाइट, कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पार्टी पे आ रहे हो, यूअर मीन्स तुम्हारा एंड यूअर मीन्स तुम, तो तुम मेरी पार्टी पे आ रहे हो, सो विल पुट अ टिक ऑन यू आर। दिस हाउस इज इन अ पुअर कंडीशन, इट्स और इट इज रूफ हैज़ टू बी रिपेयर्ड, मीन ये जो हाउस है उसकी जो हालत है वो बहुत ही बुरी है। इट्स और इट इज़ रूफ मीन इसकी जो रूफ है उसकी रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसकी मरम्मत करने की, इट्स रूफ इसकी रूफ की, इसकी मीन्स इट्स, सो विल पुट अ टिक ऑन इट्स, सो दिस इज योर एक्सरसाइज टी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ई, अगू सेट द बेबी इन अ गर्कल, चूज सम वर्ड्स साउंड मोर साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू मैच द एनिमल आर थिंग्स दैट इट गोज विद, मीन्स हियर सम साउंड्स आर गिवन, ओके, एंड सम ऑब्जेक्ट और एनिमल्स नेम्स आर गिवन, वी हैव टू यूज द करेक्ट साउंड अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग और गिवन एनिमल। लाइक फर्स्ट इज डोरबेल, जो डोरबेल होती है उसकी जो साउंड होती है उसे क्या कहते हैं, चाइम्स, जैसे भी जो भी बेल रिंग होती है उसकी साउंड को क्या कहते हैं, चाइम्स, सो डोरबेल चाइम। नेक्स्ट इज स्नेक, स्नेक की साउंड को क्या कहते हैं, हिसेस, जो भी स्नेक साउंड निकालता है दैट इज कॉल्ड हिसेस। नेक्स्ट इज फ्रॉग, फ्रॉग की जो साउंड है दैट इज कॉल्ड क्रॉक्ड, जो भी वो आवाज़ निकालता है उसे क्या कह रहे हैं, फ्रॉग क्या कर रहा है, क्रॉक्ड। थंडर में जो बादल गरजते हैं, ठीक है, तब जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड रंबल्स। माउस, जो भी माउस साउंड निकालती है दैट इज कॉल्ड स्क्वीक। एंड स्टेयर्स, दैट इज जब भी स्टेयर्स के ऊपर हम चढ़ते हैं या जो लैडर्स वगैरह होती हैं उसकी जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड क्रीक। सो दिस इज योर एक्सरसाइज ई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एफ, इट इज फाइंड द डिफरेंस इन मीनिंग्स बिटवीन दीज पेयर्स ऑफ वर्ड, यूज अ डिक्शनरी। हियर इन एवरी पेयर टू वर्ड्स आर गिवन, वी हैव टू राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट इज एंशियस, एंशियस मीन्स फीलिंग वरीड, मीन्स कोई सी बात की टेंशन होना या बहुत नर्वस होना, उसे बोलते हैं एंशियस। नेक्स्ट इज ईगर, वॉन्टिंग टू डू समथिंग, मीन्स ईगर मीन्स हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगर। गर्गल, मेक अ हॉलो बबलिंग साउंड, गर्गल मीन्स कोई भी अपने गले के अंदर जैसे बबलिंग की, मीन्स जैसे बुलबुले होते हैं वाटर में, बुलबुले बनते हैं ना, बबल्स बनते हैं, उनकी जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड गर्गल। गश, फ्लाउट मीन्स अपने मुँह से कुछ भी एकदम से, जैसे कोई लिक्विड है उसे अपने मुँह से एकदम से बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड गश। एग्जामिनिंग, इंस्पेक्ट समथिंग क्लोजली, एग्जामिनिंग मीन्स किसी कोई भी चीज़ है उसको बहुत ही क्लोजली ध्यान से उसको देखना कि ये चीज़ क्या है, किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना। नेक्स्ट इज लुकिंग, टू यूज योर आइज टू सी
थिंग्स मीन्स लुकिंग मीन्स हम अपनी आईज की हेल्प से कुछ भी जो देखते हैं ना उसको क्या कहते हैं लुकिंग. एग्जामिनिंग मीन्स किसी चीज़ को ध्यान से देखना कि इसका रीज़न क्या है. एंड लुकिंग मीन्स सिंपली हम किसी भी चीज़ को अपनी आईज के थ्रू देखते हैं. सो दीज आर दी मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड दिस इज योर बैक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 10.